उत्तराखंड की पारंपरिक विधा को सहेजने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में ऐपण पर आधारित प्रशिक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। ऐपण का प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं ने शनिवार को महाविद्यालय में ऐपण प्रदर्शनी के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर चमन कुमार व प्रशिक्षक संध्या पंत ने कहा कि ऐपण को सहेजने की दिशा में प्रशिक्षण सार्थक रहा तथा युवाओं ने इस पारंपरिक विधा को सहेजने में दिलचस्पी दिखाई है। सर, हमारा जो ये मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है पीजी कॉलेज बागेश्वर के द्वारा, तो इसमें ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट ने ही पार्टिसिपेट किया था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है, क्योंकि स्टूडेंट में जो है वो अपने ऐपण के प्रति जागने की बड़ी जिज्ञासा है, और प्रेजेंट भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे थे, और इनमें बनाने की भी जो क्लैरिटी है वो काफ़ी, मतलब उनको रुचि है उस चीज़ में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। सर्वप्रथम ये प्रोग्राम जो है मुख्यमंत्री नवाचार योजना के अंतर्गत माह जनवरी प्रारंभिक सप्ताह से शुरुआत किया गया था, और अब ये अपने समापन की ओर अग्रसित है। इसके लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर ने जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर के साथ एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किया था, जिसके अंतर्गत हमारे लगभग 30 बच्चों ने इसमें प्रवेश लिया था। उसके बाद इन 3 महीनों में इसके लिए हमने संध्या पंत, जो इस कार्यक्रम की इंस्ट्रक्टर थी, उनके द्वारा इनकी कक्षाओं का संचालित किया गया। साथ ही में महाविद्यालय के विभिन्न प्राध्यापकों द्वारा इस कार्यक्रम में इस ऐपण के उत्पादों को किस तरह से बाज़ार में उतारा जा सकता है, बाज़ार में किस तरह से इसकी विक्रय किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के लिए भी ट्रेनिंग दी गई है। आज इस कार्यक्रम में जिन बच्चों ने जो इनके उत्पाद बनाए गए थे, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई जो कि आप चारों तरफ देख रहे होंगे। अब कोशिश ये की जाएगी कि इन्हीं प्रोडक्ट्स के बेसिस पे इनको रोज़गार के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि अगर बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी ध्यान देंगे तो उनके पास भी असीम अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। साथ ही में इसका समापन कार्यक्रम 31 मार्च को प्रस्तावित है, तो 31 मार्च को इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा, जहां पर सभी वे बच्चे जो इन्होंने पंजीकृत थे और उन्होंने सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया है, उनको इस प्रोग्राम कम्प्लीशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। CGN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।